मुर्गा पेट्रोल पंप के पास बीती रात हादसा हुआ है। यात्री बस और एम्बुलेंस के बीच भिड़ंत होने से एम्बुलेंस सवार चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में मुर्गा चौकी क्षेत्र में बीती रात सड़क हादसा हो गया। पेट्रोल पंप के पास रात करीब 3 बजे यात्री बस और एम्बुलेंस के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के दौरान एम्बुलेंस का चालक रोशन उइके और परिचालक संजू कुमार तिग्गा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया। हादसे में एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए हैं। दुर्घटना के बाद बस में सवार करीब 40 यात्रियों के बीच अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई, जिन्हें मामूली चोटें लगी हैं। बताया जा रहा है कि रॉयल ट्रेवल्स की बस कटघोरा से अंबिकापुर जा रही थी, वहीं एम्बुलेंस अंबिकापुर से कटघोरा आ रही थी। इसी दौरान मुर्गा के पास दोनों की भिड़ंत हो गई। दुर्घटना की वजह वाहनों की तेज गति को माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, कोरबा।